क्या दोस्तों आप भी फोन पे यूज करना चाहते हैं? दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं कि फोन पे न्यू अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों पहली बार आपका अकाउंट खुला है और उसका फोन पे यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों फोन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, पैसा कैसे चेक करेंगे, पैसा कैसे भेजेंगे, दोस्तों आप मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे, दोस्तों आप फोन पे का यूपीआई आईडी कैसे बनाएंगे, आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पहली बार आप फोन पे का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और वहां पे बारीकी बारीकी से सीख लेते हैं कि किस तरह से आप फोन पे अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले अपना भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव, आप देख रहे हैं टॉप टिच टेक्निकल। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर वीडियो कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह का नॉलेजबल कंटेंट मिलता रहेगा, फ्यूचर में भी मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएंगे। दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आपको फोन पे डाउनलोडिंग नहीं करना। दोस्तों आपको न्यू वर्जन का आपको फोन पे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोडिंग कर लेना है। अगर आप इंस्टॉल पहले कर लिए हैं दोस्तों इसको डिलीट करके आप उसको जो लिंक मिला है वहां से आप डाउनलोडिंग कर लीजिए। दोस्तों न्यू वाला है, अगर आप ओल्ड वाला से करते हैं तो दोस्तों आपको कहीं गड़बड़ हो सकता है, दोस्तों आपका दिक्कत आ सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फोन पे का लिंक मिलेगा न्यू वर्जन का, वहां से डाउनलोडिंग कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं यहां से लिंक से डाउनलोडिंग कर चुका हूं, तो इसको ओपन कर लेना है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आपको इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे, इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। दोस्तों यहां पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है, दोस्तों यहां पर मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर इंटर कर दिए हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक ओटीपी आएगा, दोस्तों ऑटोमेटिक लेकर ये लॉगिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ओटीपी यहां पर ले लेगा। दोस्तों ऑटोमेटिक लेने के बाद आपका लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो यहां पर देख सकते हैं विल यूजिंग द ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर फिर भी आपको अलाउ कर देना है, दोस्तों अलाउ कर देना है, दोस्तों अलाउ कर देना है। इस तरह से आप अलाउ कर देंगे, दोस्तों इस तरह से आप अलाउ कर देंगे। दोस्तों यहां पर आपको यहां पर देख सकते हैं प्रोटेक्ट योर अकाउंट, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं डू इट लेटर पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों आपको इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। अगर इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं बैंक एड बैंक अकाउंट, दोस्तों यहां पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट एड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही इस प्रकार से क्लिक करेंगे दोस्तों जितना भी बैंक रहेगा आप इस तरह से देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको करना क्या है, बैंक आना है और यहां पर देख सकते हैं प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है एड बैंक अकाउंट, तो दोस्तों आपको एड बैंक अकाउंट भी यहां भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जितना भी बैंक है आपको इस तरह से दिख रखता है। दोस्तों अगर आप में इस तरह से खोज लेते हैं, अगर नहीं बैठता है तो दोस्तों आपको यहाँ सर्च बॉक्स में मिलेगा, आपको सर्च करना है जो भी बैंक है वो सर्च कर लेना है। तो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक का है, तो दोस्तों आपको कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर सर्च कर लेना है, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों कोटक जैसे ही लिखिए तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगा, तो दोस्तों इस पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको यहां पे वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी सिम यहां पे लॉगिन की है एक या दो नंबर में है वो देख लेना है। और यहां पर आपको यहां पर अगर एक नंबर में या दो नंबर पे वो सिम है तो वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके अलाउ का परमिशन भी मिलेगा, तो दोस्तों को आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों जैसे ही अलाउ कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक एसएमएस वेरिफिकेशन होगा, और इस तरह से वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से
कुछ नए इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका UPI ID यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है इस तरह से आप दूसरा चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यही UPI ID रहेंगे रखने देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस टू एड, दोस्तों प्रोसेस टू एड पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही प्रोसेस टू एड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरह से फाइनली आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेट UPI पिन। तो दोस्तों मेन काम यहाँ पर देख सकते हैं सेट UPI पिन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ATM का 6 डिजिट लास्ट वाला मांग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं वैलिडिटी ऑफ 2 डे। तो दोस्तों आपको इस तरह से आपको सबसे पहले जो भी ATM कार्ड है उसका कार्ड नंबर डाल देना है, लास्ट वाला 6 डिजिट, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे डाल के आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल्स, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का जो भी कार्ड नंबर रहेगा यहाँ पर डाल देना है, और वैलिडिटी डेट डाल देना है, और यहाँ पर आपको प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आपको एक OTP आएगा। दोस्तों ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक फिल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट 6 डिजिट UPI पिन। दोस्तों किसी किसी बैंक में आपको 4 डिजिट का पिन लगता है और किसी किसी बैंक में आपको 6 डिजिट का पिन लगता है। चलिए यहाँ पे 6 डिजिट का पिन लगा है तो यहाँ पर आपको पिन बना लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पिन बनाएंगे वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और आपको ध्यान भी रखना है। दोस्तों लिख लेने के बाद दोस्तों 6 डिजिट का नंबर आपको डाल देने के बाद दोस्तों यहां पर आपको यस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कंफर्म 6 डिजिट UPI पिन। दोस्तों फिर से आपको पिन डाल देना, जो भी आप पहले बनाए थे वही पिन आपको फिर से यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं, जो पहले बनाए थे वही पिन आपको यहाँ पर इंटर कर देंगे। दोस्तों जैसे ही लिखेंगे दोस्तों आप फिर से आपको यस कर देंगे। दोस्तों जैसे ही यस करेंगे दोस्तों आपको इस तरह से लोडिंग लेगा और कुछ नए इंटरफेस यहाँ पर देख सकते हैं UPI पिन सक्सेसफुली सेट। दोस्तों सेट हो जाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से अपने UPI पिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम इससे कैसे पैसा भेजेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करेंगे और कैसे रिचार्ज करेंगे टोटल बता देते हैं। दोस्तों अगर आप किसी को मोबाइल नंबर से पैसा भेजना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं टू कॉन्टैक्ट पर आपको क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे, और जितने भी फोन पे यूजर रहेंगे दोस्तों आपके जितने भी कॉन्टैक्ट रहेगा 8 नंबर रहेगा इस तरह से आपको दिखा जाएगा। नहीं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर टाइप करने के बाद जिसको भेजना चाहते हैं इसका मोबाइल नंबर यहां पे आपको इंटर कर देना है। तो चलिए इस तरह से आपको इंटर करना है। दोस्तों आपको इस तरह से इंटर करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहां पे गलती नंबर डाला गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाएगा UPI पिन, ये चलाता है या नहीं चलाता है, यहां पर देख सकते हैं फोन पे यूजर है या नहीं, इस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको दिख सकते हैं यहाँ पर सेंड, यहाँ पर आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद जितना रुपया भेजना चाहते हैं उतना लिख लेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। और पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी पिन बनाए हैं आपको पिन इंटर करेंगे, यस करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा है, और पैसा चेक कर अगर किसी को बैंक अकाउंट से भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। टू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे हम आपको स्टेट बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं तो स्टेट पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहां पर अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, और अकाउंट नंबर जैसे ही टाइप करेंगे तो दोस्तों किसका अकाउंट नंबर का आपका अथी रहेगा वो आपको यहां पे शो हो जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम, और IFSC कोड का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से भेज सकते हैं। और चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 सेल्फ, अगर आपका 2 अकाउंट है तो यहाँ पर से किसी उसमें से पैसा
पैसा SMS कर सकते हैं। और आपको पैसा चेक करना तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिला है चेक बैलेंस, चेक बैलेंस पे आपको क्लिक कर देना है। चेक बैलेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिला है इस तरह से, जो भी बैंक अकाउंट ऐड रहेगा दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। दोस्तों आप जो भी पिन बनाए हैं यहाँ पर पिन इंटर कर देंगे, UPI पिन जैसे ही इंटर करेंगे तो दोस्तों आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 0 रुपया है, क्योंकि 0 बैलेंस मोबाइल से कैसे कोटक महिंद्रा बैंक के खाता खोलते हैं उस पे वीडियो मिल जाएगा आपको। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 0 बैलेंस A to Z सेटिंग के बारे में बताए हैं कि कैसे वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप फोन पे चलाएंगे, टोटल वीडियो आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाने वाला है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 0 बैलेंस से तो आपको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों इस तरह से आ जाएंगे। अगर मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल, यहां पर देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, प्लान सेट करेंगे, पिन डालेंगे, आपका रिचार्ज हो जाएगा। और अगर आप बिजली बिल भरना चाहते हैं टोटल चीज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री मिलेगा। आप हिस्ट्री पर जैसे ही जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको नाम आ जाएगा कौन भेजा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपया मेरा कोई आदमी भेजा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 300 रुपया दिखा रहा है। और दोस्तों आप किसी को भेजेंगे वो भी आपको हिस्ट्री दिख जाएगा। आई होप आप लोगों का यह वीडियो काफी यूजफुल मिला होगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।